الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العباده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء اكرم على الله من الدعاء صدق الله العظيم मेरे इंतहाई एहतराम काबिल सद एहतराम भाइयों दोस्तों और बुज़ुर्गों मैंने आपके सामने क़ुरानी करीम की चंद आयात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में से चंद हदीसें पढ़ी हैं क़ुरानी करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की इसमें अल्लाह इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं व इदा साबादी अन्नी फ़िन करीब के जब मेरे बन्दे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप उन्हें बता दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ उजीब दावत दाई इजा दा जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को कबूल करता हूँ फल यस तजीबोली वलु मिनुबी लाशुदून बस चाहिए कि वो लोग मुझे ही पुकारें मेरे ऊपर ही ईमान लेकर आए ताकि वो लोग हिदायत पा लें क़ुरान करीम की दूसरी आयत में अल्लाह अल्लाब इर्शाद फरमाते हैं वक़ाल रबूक अस्तजिब लकुम आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूँगा इनदीन यस्तकबरुना अन इबादती सैद्लू न जहन्नम दाखिरी यकीन वो लोग जो अल्लाह को पुकारने से तकबर करते हैं अल्लाह को नहीं पुकारते अल्लाह से दुआ नहीं करते अनकरीब ये लोग जहन्म में दाखिल होंगे जलील और रसवा होकर तीसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वल़द ख़लकनसान वन आलमुमा वसवसुबिही वन अबिलवरीद यकीनन हमने इंसान को पैदा किया और इंसान के दिल में जितने भी वसावस हैं हम उन सब वसवसों को जानते हैं और हम इंसान की शहरक से ज़्यादा उसके करीब हैं तो कुर करीम की इन आयात से ये बात मालूम होती है कि इंसान जब भी कोई मुश्किल आए तो अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह तबारक व तला फ़रमाते मैं उसकी पुकार को कबूल भी करता हूँ और मैं इंसान की शहरक से ज़्यादा करीब हूँ जब इंसान मुझे पुकारता है तो अल्लाह रबुल्ज़त उसकी पुकार को कबूल फ़रमाते हैं हदीस में भी आता है रसूल सल्ला वम ने फ़रमाया इबादा दुआ ही इबादत है यानी जो इंसान अल्लाह से दुआ करता है तो दुआ करना भी इबादत है दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने फ़रमाया अ दुआ उ मुख़ुल इबाद दुआ तो इबादत का मगज़ है इबादत का मगज़ और ख़ुलासा वो अल्लाह से दुआ करना है तीसरी हदीस में रसुल्लम ने फ़रमाया लई सश उनक्रमा दुआ अल्लाह तबारक व तआला को दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ पसंदीदा नहीं है यानी अल्लाह को दुआ बहुत पसंद है आज दुनिया में उमूमन मुसलमान ये कहते नज़र आते हैं और बाज़ लोग भी ये कहते नज़र आते हैं जी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हम दुआ करते हैं दुआ कबूल नहीं होती अल्लाह से मांगते हैं लेकिन जो हमने मांगा है वो हमें आता नहीं होता हमारी दुआएँ अल्लाह कबूल नहीं करता बाज नादानों की ज़बानों पे ये शिकवा होता है तो आया वो कौन से इसबाब हैं कि जिन्हें इख्तियार किया जाए तो हमारी दुआएँ कबूल होंगी हज़रा सहाबा और सलफ़ ने जब दुआएँ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआएँ कैसे के कबूल कें तो दुआ की कबूलीत के लिए इब्तदाई तौर पर तीन शरात हैं दुआ तब कबूल होगी सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान अल्लाह को इखलास के साथ पुकारे अगर एक इंसान दुआ करता है लेकिन दुआ में रियाकारी है दिखलावे के लिए दुआ कर रहा है आंसू बहा रहा है लेकिन इसलिए कि लोग ये कहें कि देखो किस तरह अल्लाह के सामने गिड़घिड़ाता है आंसू बहाता है तो ऐसी दुआ कबूल नहीं होती तो पहली शर्त यह है कि दुआ में अखलास हो दूसरी शर्त यह है कि इंसान दुआ करे लेकिन उसका रिजक हलाल का होना चाहिए अगर रिजक हराम का हो तो दुआएं कबूल नहीं होती। कुरानी करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अम्बिया अलीलात वसलाम की जमात को इर्शाद फरमाते हैं या अय्यू हर रसुल्लू मिनत ये बात वामूलह ए रसूलों की जमात तुम पाकिजा रजक खाओ और नेक आमाल करो तो अल्लाह रब्बुल रबुल्जत ने अम्बिया अलीसम को के हलाल के खाने का हुक्म दिया और उसके फौरन बाद फरमाया नेक आमाल करो तो जब अम्बिया के लिए रज हलाल का हुक्म है तो आम लोगों के लिए तो बतरीकेला हुक्म है इससे दूसरी बात मालूम हुई कि जब रिजक हलाल का होगा तो नेक आमाल की तोफ़ीक होगी और जब रजक हलाल का नहीं होता तो ऐसे लोगों की इबादतें भी कबूल नहीं नेक आमाल करने की तोफीक भी नहीं होती और वो माल अल्लाह के रास्ते पे फिर खर्च भी नहीं होता तो इबादत के लिए दुआ के लिए मैंने बात आरज़ की कि पहली शर्त अखलास है कबूलीत दुआ के लिए दूसरी शर्त है रज़ हलाल तीसरी शर्त है कि इंसान दुआ करे इस यकीन के साथ कि अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फ़रमाएगा हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्लाम ने रिशात फरमाया अल्लाह व अंतुम तुम बिल इज़ाबा।" तुम अल्लाह से दुआ करो इस हाल में कि तुम्हें यकीन हो कि अल्लाह मेरी पुकार को मेरी दुआ को कबूल फ़रमाएगा वालमोलब दुआमिन कल बिन गिन ला जान लो कि अल्लाह ऐसी दुआ को कबूल नहीं करता जो गफलत के साथ लापरवाही के साथ सुस्ती के साथ जो दुआएं की जाती हैं बेतवज्जोही के साथ तो ऐसी दुआएं अल्लाह अल्लाबू नहीं करता तो दुआ की कबूलीत के लिए तीसरी शर्त क्या है कि इंसान यकीन के साथ दुआ करें कि अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फ़रमाएंगे दुआ करते वक्त रसूल सल्ला व्लम ने क्या फ़रमाया कि अल्लाह उस दुआ को कबूल नहीं करता जो गफलत के साथ हो जो लापरवाही के साथ हो जो बेतवज्जू के साथ दुआ हो वो कबूल नहीं होतीम आज कल हम हाथ तो उठाते हैं कभी दाएं तरफ देख रहे हैं कभी बाएं तरफ देख रहे हैं कोई अपनी दाढ़ी के बालों से खेल रहा है कोई सर पे खुजली कर रहा है कोई दाएँ बाएँ मुतवजे है बस दो अल्फाज पढ़े और चेहरे पर हाथ फेर दिया ये दुआ नहीं दुआ वो हो जो इखलास के साथ हो रिश् हलाल के बाद हो अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो हो दोनों हाथों को इंसान अपने सीने तक उठाकर अल्लाह के सामने यूं फैलाए जिस तरह किसी से मांगा जाता है इस तरह अल्लाह के सामने अपने दोनों हाथों को फैलाए आजिज़ी के साथ तवाजो करते हुए अपने माजी के गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह दुआ ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं। आज हमारे मांगने में कमी है अल्लाह के आता में कमी नहीं है इंसान जब भी इखलास के साथ पुकारता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फ़रमाते हैं। मैं चंद एक वाक़ात अरज करता हूँ जिससे बात समझना आसान होगी कि जब भी किसी ने अल्लाह को पुकारा गिड़ गिड़ा कर आजजी और तोज़ों के साथ तो अल्लाह ने उसकी पुकार को ज़रूर कबूल फ़रमाया इबन असीर जजरी रमतल मतवा छः सौ तीस हिजरी की किताब है ग़ाबा फ़ी सहाबा सहाबा फ्राम के हालात पर यह किताब है इसमें इन्होंने हज़रत अबू में अंसारी रजी अल्लाह तु के हालात में एक वाक़ नक़ल फरमाया इस वाक़े के रावी हैं हज़रत अनस रजी अल्लाह तु फरमाते हैं कि ये सहाबी रसूल थे एक दफ़ा ये तिजारत के लिए सफ़र में चले गए सफ़र में गए सफ़र करते रहे करते रहे एक बयाबान से इनका गुजर हुआ इतफाका चंद लोग सामने आ गए उनमें से एक एक आगे था और वो आते ही अबू मिलक अंसारी के पास जैसे पहुंचा तो उसके पास तेज़ दहार आला था तलवार भी थी नेज़ा भी था छुरी भी थी और अबू मेलक अंसारी से कहा मैं तुम्हें कत्ल भी करूंगा और जितना माल है ये भी तुम्हारा लूंगा। उस सहबी ने आगे से कहा ये मेरी सवारी ले लो जो माल चाहिए वो ले लो आखिर कत्ल करने की क्या हाजत तुम्हें माल की ज़रूरत है माल ले लो सवारी की ज़रूरत है सवारी ले लो लेकिन उस डाकू ने आगे से कहा मैं माल भी लेता हूँ लोगों की जान भी लेता हूँ मैं बक वक़्त दोनों काम करता हूँ अब वो मेला कंसारी ने फरमाया फिर ऐसा करो मुझे दो रकात नमाज़ पढ़ने की मोहलत दे दो उन्होंने कहा जी दो नहीं चार रकात पढ़ो पढ़ोम जो इंसान अल्लाह से दूर होता है तो उसको अल्लाह की ताकत पर इतना अतमाद नहीं होता अल्लाह से ताल्लुक पर उसे इतना अतमाद नहीं होता चूँकि ईमान कमज़ोर होता है सहाब रसूल का ईमान कवि था दो रक़त नमाज की नीयत बाँधी अल्लाह रबुल्जत के सामने गिड़गिड़ाए दुआ फरमाई जैसे ही सलाम फेरा क्या देखते हैं कि एक शख्स सामने है जिसका कद गोया आसमान से लगा हुआ हो सफ़ेद लिबास सफ़ेद इमामा हाथ में तलवार है और उसने फ़ौर डाकू के सामने आया और उसका सर कलम कर दिया मैंने देखा तो बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह की तरफ से मदद आ गई लेकिन सोचने लगा ये इंसान कौन है मैंने आज तक तो ऐसा आदमी कभी ना देखा इतना ताकतवर इतना कदावर इतना ख़ूबसूरत तो मैंने पूछा तुम कौन हो कि जो मेरी मदद के लिए आए हो फरमाया कि जब तुमने अल्लाह के सामने दुआ की तो चौथे आसमान पर गोया के दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आई फिर तुमने दुआ की तो फिर आवाज़ आई तो मैंने एक आवाज़ सुनी कि जाओ हमारा ये बंदा हमें पुकार रहा है इसकी मदद के लिए पहुँचो तो वह चौथे आसमान का फरिश्ता था और वो आया और उसने उस डाकू को कत्ल कर दिया तो सहाबी की जान भी बच गई माल भी बच गया मैं आरस कर रहा था अल्लाह ने दुआ में कैसी ताकत रखी है कि दुआ की वजह से सिर्फ माल ही महफूज न हुआ जान भी महफूज हुई सवारी भी महफूज हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनकी मदद के लिए भेज दिया तो इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लाम ने फरमाया कि दुआ मांगो अल्लाह से लेकिन व अन तुम मोकिनो न इज़ाबा, तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मेरा रब मेरी दुआ को कबूल फ़रमाएगा वालमो अस्तजीब ला दुआा अन बिन कल बिन गाफिल्ला लापरवाही और गफलत के साथ दुआ करोगे तो दुआब नहीं होगी इसलिए इंसान जब भी अल्लाह से मांगे तोज्जो के साथ मांगे अल्लाह रबुल्ज़त ज़रूर अता फ़रमाते दुआ की कबूलीत की तीन सूरतें होती हैं कभी दुआ इस तरह कबूल होती है जो इंसान ने मांगा अल्लाह उसको वही अता फ़रमा देते हैं और कभी इस तरह दुआ कबूल होती है कि कोई मुसीबत और बड़ी परेशानी आने वाली थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ की वजह से उस मुसीबत और परेशानी को दूर फरमा देते हैं और कभी दुआ इस तरह कबूल होती है कि अल्लाह उसको क़्यामत के दिन के लिए ज़ख़ीरा बना देते हैं इसलिए हदीस में आता है रसूल सल्ला वम ने फ़रमाया क़्यामत के दिन जब बंदा अपनी दुआओं को देखेगा और उसके समरात और बदले और उन दुआओं के बदले में जन्नत के इनामात और नेमतें देखेगा तो वह यह तमन्ना करेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल न होती और आखिरत में मुझे इतने फ़वाद समरात और नेमतें मिल जाती तो अल्लाह हर इंसान की दुआ कबूल करता है लेकिन तीन सूरतें होती हैं कभी अल्लाह वही अता फरमा देता है कभी आने वाली मुसीबत को अल्लाह दूर कर देता है और कभी अल्लाह उस दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना देता है इंसान नादान कभी दुआ मांगता है उसमें उसके लिए खैर नहीं होती अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त तो मुस्तक़बिल की बातों को जानते हैं तो अल्लाह उसे वो नहीं अता फरमाते कि ये चीज़ इंसान के शर का गुमराही का दीन से दूरी का ज़रिया बन सकती है तो अल्लाह रबुल्ज़त नहीं देते बस अवत इंसान माल मांगता है अल्लाह से बहुत कभी ये माल इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है दीन से दूर कर देता है औलाद मांगता है अगर अल्लाह कभी औलाद नहीं देता उसमें हमतें होती हैं बसाकात ये औलाद नाफरमान हो तो वालदे के लिए गोया मुस्कबिल में परेशानी नदामत का ज़रिया बन जाती है तो अल्लाह के हर काम में हमत होती है तो इंसान अल्लाह से ज़रूर दुआ मांगे अलामा इबन असाकिर मुतव पाँच सौ इकहत्तर हिजरी इनकी किताब है तारीख़ मदीनती दिमश इसमें इन्होंने एक वाक़ लिखा एक आराबी का कहा कि बड़ा नेक साल इंसान था इसका काम ये था कि इसके पास खच्चर होते गदे होते घोड़े होते और ये लोगों को सवारियों पे देता कराये पर देता था उजरत पे देता था बस अवकात सामान ज़्यादा होता तो खच्चर पे लाद लेता उनके सामान को उनकी मतलूबा जगह तक पहुँचाता और उनसे उजरत ले लेता एक दफ़ा ऐसा हुआ एक शख्स ने इनसे कहा मेरा सामान है फलां जगह तक ले जाना है इन्होंने कहा ठीक है इन्होंने खच्चर पे सामान रखा और जो रफ्त का रास्ता था उससे ले जाने लगे उसने कहा नहीं इस रास्ते से मत लेकर जाओ फलाँ जो रास्ता है वो बड़ा मुख्तसर है आज के अल्फाज में शार्ट कट रास्ता है वहाँ से लेकर चलते हैं इसने कहा मैं उस रास्ते से कभी आया नहीं हूँ उसने कहा नहीं मुझे मालूम है आपको नहीं मालूम मैं आपको ले जाऊँगा अब ये आरबी कहता है मैं उसके साथ चलने लगा अब मैं अकेला था और वह शख्स भी अकेला था मैंने उसका सामान अपने खच्चर पर पीछे रखा तो चलते चलते एक वादी में जैसे हम पहुँचे तो मैं वज़ू कर रहा था नमाज का वक्त था मैं नमाज पढ़ने लगा तो इसने अचानक अपना सामान खोला और उससे इसने अपना खंजर और तलवार निकाली तलवार निकाल कर मेरे सर पर खड़ा हो गया जैसे मैंने नमाज ख़त्म की तो फ़ौर कहा कि जो माल है वो भी दो और मैं तुम्हें कतल भी करूँगा उसने कहा कतल ना करो माल ले लो कहा नहीं अगर मैंने कत्ल न किया तुम लोगों को बताओगे मेरी बदनामी होगी और मेरे लिए नदामत का ज़रिया बनेगी ये वक्त मुझसे बदला लेगा चोरी में हाथ काट देगा इसलिए मैं कत्ल भी करता हूँ माल भी लेता हूँ इन्होंने उसे बहुत समझाया कि माल लो लेकिन वह बाज ना आया तो इसने कहा चलो मुझे दो रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दो इब्ने आसाकिर रहे लिखते हैं ये आरबी दो रकात नमाज पढ़ने लगा ये कुरान करीम का हाफिज़ था फरमाते खौफ मेरे ऊपर ऐसा था उसके हाथ में जो तलवार थी तो कुरने करीम में पढ़ने लगा लेकिन कुरान की कोई आयत मेरे जहन में नहीं आ रही थी कि मैं क्या तिलावत करूँ सूर फातहा के बाद अचानक मेरे सामने कुरान की ये आयत अम मई जीबुलमजर्रदाद आहू व जाफा अलअर्स कुरान की ये आयत मेरे सामने आई इस आयत में अल्लाह रबालत पुकारते हैं अम कौन है वो जो तुम्हारी दुआ को कबूल करता है कौन है वो जो बेकरार बेचैन मुसीबत जदा की पुकार को सुनता है कौन है वो जो परेशानियों और तकलीफों में पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता है कहते हैं ये आयत मेरे सामने आई मैं इसको पढ़ता रहा आंसू बहाता रहा नमाज खत्म की तो अचानक एक शख्स को अपने सामने देखा और उसने इसे कत्ल कर दिया मैंने पुकारा तो कौन है तो यहाँ भी यही जवाब था जब तूने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह रबुल्ज़त ने मुझे भेजा कि जाओ हमारा फलां बंदा फलां जगह हमें पुकार रहा है इसकी मदद के लिए पहुंचो तो वो आया और उसे कत्ल कर दिया तो अमू जी वो कौन है जो बेबस और मजबूर की पुकार को सुनता है वो अल्लाह सुनता है इसलिए इंसान जब भी अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान की दुआ को कबूल फरमाते हमारे मांगने में, तो में कमी है अल्लाह के लाल पैदा हुए तारीख़ बगदाद में वाकया है चंद दिन के बाद आंखों की बिनाई चली गई रात को उठते इनकी वालदा अल्लाह से मांगती या अल्लाह मेरा ये साहबजादा था मैंने नीयत ये की थी इसको मैं दीन और हदीस के लिए वक़फ़ करूँगी मौलाए करीम इसकी आँखों की बिनाई लौटा दे तीन दिन तक इमाम बुखारी की वालदा दुआ करती रहें चौथे दिन इब्राहीम आसमाम की जियारत हुई फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरी दुआओं की वजह से तेरे बेटे की बिनाई को लौटा दिया इमाम बुखारी जब सुबह उठे तो आँखों की बिनाई लौट चुकी थी तो अल्लाह ने दुआ में कैसी ताक़त रखी है दुनिया का कोई डॉक्टर कोई तबीब नाबीना को बीना नहीं कर सकता लेकिन माँ बाप की दुआ नाबी को भी बीना कर देती है ये उस वक़्त जब दुआ सिद के दिल के साथ होती है तो अल्लाह इज़्ज़त ने दुआ में बड़ी ताकत रखी इमाम बेही रहमत आ एक वाक़ लिखा दलाइल नबू में एक शख्स जिहाद के लिए गया और उसके पास हथियार भी मौजूद थे सवारी में उसके पास गधा था गधे की सवारी वो करता हुआ जा रहा था एक बयाबान में अचानक गधे वो गधा नीचे गिरा एड़ियां रगड़ने लगा और वहीं वो, वो गधा मर गया ये जो मुजाहिद था ये बड़ा परेशान हुआ कि इस जंगल में अब मैं सवारी को कहाँ तलाश करूँ कोई मदद के लिए मौजूद भी नहीं है तो कहते मैंने फ़ौर पानी तलाश किया पानी ना मिला तयम किया दो रकात नमाज पढ़ी अल्लाह से मांगा कि अल्लाह तेरे रास्ते में जिहाद के लिए निकला था और आज ये जो मेरी सवारी थी ये मर गई और मैं नहीं चाहता मैं दुनिया में किसी और के सामने हाथ फैलाऊं मैंने सारी जिंदगी मौलाए करीम तुझसे मांगा तेरे दर पर मैंने हाथ फैलाया मैं इंसानों के दरवाजे पर कभी नहीं गया आज भी मैं किसी इंसान के दरवाजे पर नहीं जाऊँगा मौलाए करीम मुझे सवारी चाहिए यही चाहिए तू इसके जिंदा करने पर कदिर है तू ही इसे मारने वाला है मौलया करीन तू ही इसे हयात अता फरमा दुआ ख़त्म नहीं हुई थी का मैंने क्या देखा कि गदा अपने कानों को हिलाता हुआ खड़ा हो गया अल्लाह ने दुआ में ऐसी ताकत रखी है तो दुआ में बड़ी क़वत है इंसान जब भी अल्लाह को पुकारता है अल्लाह दुआ को कबूल करता है लेकिन आज हम नादान हम हर दर पर जाते हैं खुदा के दर पर नहीं आते हकीमों के पास तबीबों के पास डॉक्टरों के पास आमिलों के पास लाइने लगी हैं खुदा के घर वीरान है सबसे मांगते हैं रब से नहीं मांगते जिसके पास सबसे बड़ी ताकत सातों आसमानों सातों ज़मीनों का बादशाह उससे नहीं मांगते चरंद परिंद अठारह हज़ार किस्म की मखलूक़ात को पैदा करने वाले रब के सामने हाथ नहीं फैलाते इसलिए इंसान जब अल्लाह से मांगता है रब्बुल रबुल्ज़त उसकी पुकार को ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं हदीस में आता है रसुल्ला वसम ने फरमाया सलासुदावत इन मुस्तजाबात शकफ़ी तीन दुआएं ऐसी हैं कि उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं अल्लाह फौरन कबूल करता है दावतुल दाँवतलव ही वालिद की दुआ औलाद के लिए व दावतुल मुसाफिर की दुआ व दावतुल मज़लूम की दुआ ये तीन दुआएं अल्लाह फौरन कबूल फ़रमा देता है एक शख्स का एक ग़ुलाम था और इसकी ज़िंदगी शराब व कबाब में गुज़र रही थी इसने अपने दोस्तों को बुलाया हुआ था और सारे इसके दोस्त जमा थे अपने ग़ुलाम को इसने चार दिरहम दिए कि जा बाज़ार से फल फ्रूट ख़रीद के ला ग़ुलाम फल फ्रूट ख़रीदने के लिए बाजार गया रास्ते में देखा एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाले थे मंसूर बिन अम्मारे रहमहुल्लाह उन्हें ज़रूरत और हाजत थी तो ये उनके पास से गुजरते हुए जा रहे थे उन्होंने कहा मुझे चार दिरहम की ज़रूरत है तो इस ग़ुलाम के पास ये चार दिरहम थे फरमाया मुझे जो चार दिरहम देगा मैं उसके लिए चार दुआएं करूंगा। गुलाम ने चार दिरहम दे दिए कहा बहुत आसान सौदा है चार दिरहम पे चार दुआएं मिल रही हैं उसने चार दिरहम दिए उस अल्लाह वाले ने कहा क्या दुआ करनी है उसने कहा पहली दुआ ये करो कि मेरा जो आका है वो बड़ा जालिम है मुझ पे जुल्म करता है बहुत सख्त है बात बात पे डांटता है दुआ करो अल्लाह मुझे आज़ादी दे दे उसने दुआ की कि ए अल्लाह तू इसे आज़ादी अता फरमा कहा दूसरी दुआ कहा दूसरी दुआ यह है कि मेरा जो आका है शराब कबाब में ज़िंदगी गुजार रहा है तुम दुआ करो अल्लाह मेरे आका को हिदायत दे दे उसने दुआ की कि अल्लाह इसे हिदायत अता फरमा दे कहा तीसरी दुआ कहा तीसरी दुआ यह है कि मैंने तुम्हें तो चार दिरहम दिए हैं दुआ करो अल्लाह मुझे इससे डबल अता फरमा दे उस वाले ने वो दुआ भी की कहा चौथी दुआ ये भी करो अल्लाह तुझे भी माफ़ करे मुझे भी माफ़ करे मेरे आका को भी माफ़ करे और मेरे आका के साथ जो लोग यहाँ महल में जमा हैं शराब शराबों कबाब में अल्लाह उनको भी माफ़ करे उस अल्लाह वाले ने यह चौथी दुआ भी की इन्होंने चार दिरहम उसे दे दिए वापस महल में आए तो खाली हाथ थे बादशाह ने पूछा मैंने तुम्हें चार दिरहम दिए थे कहाँ गए उस गुलाम ने सच सच वाक़ सुनाया कि एक अल्लाह वाला रास्ते में खड़ा था उसे चार दिरहम की हाजत थी मैंने उसे दे दिए और उसने मेरे लिए चार दुआएं की हैं अल्लाह ने दुआ में कैसी ताकत रखी है कि जब ये जा रहा था तो महफिल शराबो कबाब की थी जब यह वापस लौटा है तो बादशाह के चेहरे का रंग तब्दील हुआ हुआ है बादशाह ने पूछा तुमने किस को चार दिरहम दिए फरमाया कि मंसूर बिन अम्मार को दिए कहा तुमने क्या कहा कहा मैंने उससे चार दुआओं का कहा।, कहा कौन कौन सी दुआ कहा पहली दुआ मैंने उससे कही थी मेरा आका सख्त है जुल्म करता है सख्ती करता है आका मुझे आज़ाद कर दे उसने कहा जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया कहा दूसरी दुआ कहा दूसरी दुआ मैंने कहा आका मेरा शबाब व कबाब में ज़िंदगी गुजार रहा है अल्लाह उसको हिदायत दे दे तो इनके चेहरे का रंग तो तब्दील था अल्लाह ने इनका दिल बदल दिया था तो कहा कि मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ आज के बाद मैं ज़िंदगी में कोई इन श्ला की नाफरमानी नहीं करूँगा शराब की ज़िंदगी से तोबा करता हूँ आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा और इसके नदामत के आंसू इसके रुखसारों पर थे कहा तीसरी दुआ कहा मैंने कहा था चार दिरहम है अल्लाह मुझे इसका डबल दे दे बादशाह ने अपने वजीर से कहा इसको चार हजार दिरहम दे दो चार दिरहम की जगह चार हजार दिरहम कहा चौथी दुआ कहा चौथी दुआ ये थी कि अल्लाह तुझे भी माफ़ करे मुझे भी माफ़ करे मंसूर बिन अम्मार को भी अल्लाह माफ़ करे ये जितने महल में लोग मौजूद हैं अल्लाह इनको भी माफ़ करे बादशाह ने कहा यह मेरे इख्तियार में नहीं ये मेरे इख्तियार में नहीं है इस दौरान थोड़ा वक्त गुजरा बादशाह की आंख लग गई जब सोया तो ख्वाब में देखा एक गैबी आवाज थी कि जब तूने तीनों काम किए गुलाम को आज़ाद भी तूने किया चार की जगह चार हज़ार दिरहम भी दिए माजी की जिंदगी पे नदामत के आंसू भी बहाए तीन काम तूने कर दिए चौथा काम तेरा रब करता है जो मंसूर बिन अम्मार ने दुआ की जा मैंने तेरी भी मगफरत कर दी गम की भी कर दी मंसूर बिन अमार की भी कर दी अल्लाह ने दुआ में ऐसी ताकत रखी तो जब इंसान सिदे दिल से दुआ करता है अल्लाह अल्ला दुआ कबूल करता है इसलिए हमेशा अल्लाह के सामने इंसान दुआ करे सदका दे और अल्लाह से मांगता रहे अल्लाह रब्ज़त ज़रूर दुआ को कबूल फरमाते दें सदक़े के ज़रिए से अपनी बीमारियों को टालें सदक़े के ज़रिए से अपनी मुसीबतों को दूर करें उर्दू की एक किताब है दुआओं की कबूलीत के सुनहरे वाक़ात इसमें इन्होंने एक वाक़ नक़ल फरमाया कि एक डॉक्टर थे अरब के अंदर वो वाक़ सुनाते हैं कहते मेरे वार्ड के अंदर एक शख्स को लाया गया इंतहाई तबीयत तो उसकी नाजुक थी बज़ाहिर ऐसा लगता था कि इसका इंतकाल हो जाएगा लेकिन कहाँ मैंने देखा सुबह भी शाम भी उस शख्स की घरवाली और उसके चौदह साल का एक बेटा था हमेशा ये तीमदारी के लिए मौजूद होते थे जब भी ये आते तो कहाँ उसकी हालत ऐसी थी कि वो होश में नहीं होता था आंखें बंद हैं बोल नहीं सकता है बेहोशी की हालत है तो ये घर वाली आती और बेटा आते तो अपने ये घर वाली अपने शोहर की जो जिस जगह उसे लटाया हुआ था नीचे चादर की सलवटें दुरुस्त करती अपने शोहर के मुंह पे पेशानी पे भोसा देती अल्लाह के सामने दुआ करती कि अल्लाह तेरे इख्तियार में है शिफा देना मौला करीम तू इसको शिफा दे वो डॉक्टर कहता है मैं देखता है, सुबह भी ये आती शाम भी आती बच्चा भी इसके साथ होता और ये माँ और ये बेटा दोनों सरहाने खड़े होते दाएं तरफ उसकी बीवी बाएं तरफ उसका बेटा अल्लाह से दुआ कर रहे होते थे का एक महीने से ज़्यादा वक्त गुजरा था वो होश में नहीं था लेकिन चूंकि दिल की धड़कन चल रही थी नब्स की रफ्तार चल रही थी तो, तो था तो जिंदगी में लेकिन होश वहवास नहीं थे कहा हमारी मेडिकल के रिपोर्ट के मुताबिक उसके नबे फ़ीसद चांस नहीं थे बचने के बाहर दस फ़ीसद चांस थे कि ये बच सकता है बाकी नहीं हमने उसकी अहलिया को तसली भी देते और हमने कहा तुम रोज़ाना क्यों आती हो इतना सफ़र करके तुम आती हो आगे से वो होश में होता नहीं जब भी जाती हो उसकी आंखें बंद होती हैं इतनी तकलीफ़ ना करो जो भी कैफियत होगी हम तुम्हें फ़ोन पे इतला दे देंगे उसकी घरवाली ने कहा नहीं मुझसे तसली नहीं होती अब ये कहते हैं एक माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया यही हालत थी अचानक एक दिन ऐसा हुआ हमने इसको ऑक्सीजन के लिए मास्क लगाया हुआ था दिल की मशीनें इसके ऊपर लगी हुई थी तमाम मशीनें लगी हैं सामने स्क्रीन इस पर इसकी दिल की धड़कन और तमाम इसके आज़ूल का निज़ाम सामने चल रहा है अचानक कहते हैं यह शख्स खुद से बैठ गया हालांकि ये करवट भी नहीं तब्दील कर सकता था खुद से बैठा अपने मुंह से ऑक्सीजन का वो मास्क हटाया और जितने आलात थे सबको हटाया और ज़ोर से आवाज़ दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ इन चीज़ों को हटाओ नर्स दौड़ती हुई आई तो देखा वो शख्स जो करवट नहीं बदल सकता था होश में नहीं था आज बिल्कुल होशो हवास में है जल्दी से डॉक्टर को बुलाया उन्होंने देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल की रफ्तार भी अपनी रफ्तार में चल रही है और जब चेक किया गया सारे जिस्म के आजुलाती निज़ाम बिल्कुल ठीक हैं ये लोग हैरत में पड़ गए नबे फ़ीसद चांस नहीं थे अचानक कैसे ठीक हो गया घरवाली को इतला दी वो जल्दी से आई अपने शोहर को देखा तो नहाय खुश हो गई तो इसने उसकी घरवाली से पूछा कि मेरी जिंदगी इसमें गुजर रही है तेईस साल का अरसा हो गया लेकिन मैंने इस तरह नहीं देखा कि कोई मौत के मुंह से दोबारा वापस आया लेकिन अल्लाह ने इसे मौत के मुंह से लाया है शायद तुम्हारी जिंदगी का कोई अमल है कि जब अल्लाह ने तुम्हारे शोहर को एक नई जिंदगी दी है तो उस घरवाली ने आगे से कहा कि मैं जब भी यहाँ पहुँचती थी तो दुआ करती थी कि ए अल्लाह तुम मेरे शोहर को शिफाता फरमा और जब हस्पताल से मैं जाती थी तो मेरा और मेरे ये चौदह साल का बेटा हम लोग खाना खरीद लेते और हम एक गरीबों की बस्तियों में जाते एक एक बस्ती में जाकर हम यतीमों में बेवाओं में खाना तकसीम करते किसी को नकदी माल देते हमने सुना था कि सदक़े से अल्लाह बीमारियों को दूर करता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से मुसीबतें दूर हो जाती हैं तो हम ये ख़र्च करते रहते अल्लाह से मांगते रहते तो कहा शायद अल्लाह ने इसी वजह से शिफा दी हो उस डॉक्टर ने कहा बिल्कुल तुमने सच कहा मेडिकल तो कहता था ये नहीं बचता लेकिन खुदा जिसे रखे उसे कोई मौत नहीं दे सकता तो दुआ में अल्लाह ने वो ताकत रखी है अल्लाह रबुल्ज़त ने सदक़े में वो ताकत रखी है कि बज़ाहिर इंसान मुर्दा होता है अल्लाह उसको नई जिंदगी दे देता तो मैं बात आरज़ कर रहा था कबूलीत दुआ ज़रूर होती है इसलिए इंसान कभी मायूस ना होलाद नाफरमान है अल्लाह से मांगे घरवाली नाफरमान है अल्लाह से दुआ करे जब भी कोई हाजत है हदीस में आता है तुम्हारा तस्मा टूट जाए अपने रब से मांगो घर में नमक मौजूद ना हो अल्लाह से मांगो इंसान अल्लाह से जब मांगता है तो अल्लाह के दरबार में कमी कोई नहीं अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त उसे अता फरमाते हैं अरबी की एक किताब कसस उसमें एक वाकया है फरमाया के एक गरीब घराना था उसमें मियाँ बीवी थे और उनके दो बच्चे थे इनके पास अपना जतीी मकान भी नहीं था रमज़ानमबारक का महीना था जब इफ्तारी का वक्त होता था तो ये जो माँ थी ये हाथ उठाती बच्चों से कहती बेटा तुम भी हाथ उठाओ मासूम बच्चे भी हाथ उठाते और ये दुआ करती कि ए अल्लाह तू हमें ऊंचा महल अता फरमा और ऐसा महल दे जिसके आगे नहर जारी हो ऐसा महल दे ऐसा घर दे जिसके आगे पानी की नहर जारी हो ये वाक़ रियाज में पेश आया है सऊदी अरब का ये शहर है इसका जो शोर करीब बैठा होता था वो कभी मुस्कुराने लग जाता का अल्लाह की बंदी झोंपड़ी हमारे पास नहीं है और तू महल मांग रही है यहाँ रियाज के अंदर तो नहर ही कोई नहीं और तू मांगती भी महल और उसके सामने नहर भी बह रही हो तो वो ताजुब करता कोई और दुआ अल्लाह से मांग वो अल्लाह की बंदी कहती नहीं अल्लाह के ख़जाने में तो कमी कोई नहीं अब ये मुसलसल रमज़ान में यूं दुआ करती रहती और बच्चे आमीन कहते वो भी अपनी तोतली ज़बान से अल्लाह से मांगते आज हमने अपनी औलाद को अल्लाह से मांगना नहीं सिखाया आज हमने अपनी औलाद को क्या सिखाया बेटा परेशानी आएगी नौकरी करोगे मसला हल होगा बेटा पढ़ोगे सरकारी मुलाजिम बनोगे मसला हल होगा बेटा डॉक्टर बनोगे अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी मसला हल होगा बेटा इंजीनियर बनोगे कमाओगे मसला हल होगा बेटे का ताल्लुक सबसे कायम किया रब से कायम न किया दुनिया के सारे दरवाजे उसको दिखाए खुदा के घर का दरवाजा न दिखाया दुनिया की हर किताब पढ़ाई खुदा का कुरान न पढ़ाया अंग्रेज़ की लिखी हुई किताबें पढ़ाई नबूत के इर्शादात न पढ़ाए फिर क्यों गिला करते हो हालात ऐसे आ गए बच्चे नाफरमान हो गए मुसीबतें तकलीफ़ें आ गई औलाद ने हाथ उठा दिया भला ऐसा तो होना था जब तूने खुदा के कुरान और नबी के फरमान के साथ ये किया था तो मैं आरस कर रहा था वो माँ दुआ करती थी और बच्चे आमीन कहते थे मुबारक के याम ही चल रहे थे एक दिन इसका शोहर मस्जिद में आसर की नमाज़ पढ़ रहा था बाहर निकला तो देखा एक मालदार शख्स था और उसने उससे कहा कि हमारा एक महल है और उसके अंदर आधे महल में मेरा वालिद अकेला रहता है और मैंने ये नियत की थी आसर की नमाज के बाद जिससे मेरी पहली मुलाकात होगी तो मैं उसे ये अपना आधा महल दे दूँगा और जब तक वालिद की ज़िंदगी है फब हा अल्ला न करे इंतकाल हो गया तो वो पूरे महल का मालिक होगा तो ये महल की चाबियाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ फ़लां जगह बना हुआ है नहायत खूबसूरत बना हुआ था इससे अपने ऊपर ताज्जुब था कि हम गरीब कहाँ उस महल के काबिल तो इसने कहा आप मजाक कर रहे हैं कहा मजाक नहीं कर रहा आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ वहाँ लेकर गया और वो महल उसकी चाबियाँ हवाले कर दी बड़ा ही आलीशान वो बंगला बना हुआ था ये अपनी बीवी को वहाँ लेकर गया बीवी ने कहा देखो मैंने नहीं कहा था अल्लाह हमें महल देगा मैंने अल्लाह से दुआ की थी और अल्लाह ने कबूल फरमा दी शोहर कहता मैंने कहा तूने तो ये भी कहा था अल्लाह महल दे और उसके आगे नहर भी जारी हो तो अल्लाह ने महल तो बड़ा अज़ीम शान दे दिया लेकिन नहर कैसे जा रही है उसने कहा वो भी सोचने लगी इतने में अगली नमाज का वक्त हुआ मस्जिद के इमाम साहब से मिले कहा मेरी बीवी ने दुआ की थी अल्लाह ने महल दिया लेकिन कहा नहर भी जारी हो लेकिन नहर सामने कोई नज़र नहीं आ रही और मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि जिस अल्लाह ने यह दुआ कबूल की है इन श्ला भी कबूल हुई हो होगी उस आलिम ने पूछा कि तुम्हारे महल के सामने क्या है उसने कहा महल के सामने तो बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद है के इलाके में उससे ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत मस्जिद कोई नहीं है उस आलिम ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारी बीवी की तो दुआ कबूल हो गई फिर उसने यह हदीस पढ़ी कि अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने देखा है उस शख्स को कि जिसके दरवाजे के सामने एक नहर जारी हो और वो नहर में पांच वक्त नमाजें पढ़ता हो तो फिर उसके जिस्म पे हल यबका मिन दरनिही नहीं क्या उसके जिस्म पे कोई मेल कुचेल बाकी रहेगी साहबा ने कहा ला यब का मिन दर नहीं उन उसके जिस्म पे कोई मेल कुचेल नहीं रहेगी आपने फरमाया फजा लिखा मिसल सलावात खम्स यही पांच मिसालों नमाजों की मिसाल है यम हो बेहन नल खताया अल्लाह तबारक व ताला इनकी वजह से गुनाहों को माफ कर देता है कहा तुम्हारी घरवाली की दुआ कबूल हो गई कि हदीस में जैसे तशबी दे गई दी गई है जिसके घर के सामने नहर हो पांच दफ़ा गसल करे जिसम पे मेल होगी साहबा ने कहा नहीं तो कहा वो नहर ये खूबसूरत मस्जिद है तो अल्लाह ने देखे उसकी बीवी की कैसी दुआ कबूल की हालांकि तो उसकी ज़िंदगी गुर्बत में गुजर रही थी लेकिन दुआ की तो अल्ला ने महल भी अता फरमाया और महल के सामने अल्लाह ने खूबसूरत मस्जिद भी अता फ़रमाई इसलिए मैं बात आरस कर रहा हूँ अल्लाह दुआ ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं तो आज भी अगर इंसान अल्लाह के सामने घिड़ के दुआ करें तो अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को कबूल फ़रमाएंगे अल्लाह हम सबको अमल की अता तो फरमाए